तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रूट टचअप के बारे में गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि रूट टचअप एक जो सिलेबस है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक सिलेबस लगता है हम सभी को लेकिन देखा जाए ना तो इसको समझा जाए तो हमें ज़्यादातर हमें ज़्यादा जो तो दिक्कत पड़ती है ना रूट टचअप में हमें कहाँ पर पढ़ते देखो। तीन नंबर का बाल है चार नंबर का बाल है पाँच नंबर का बाल है ऐसे हेयर को ग्रे कवरेज करने के लिए हमें ईजिली कवरेज मिल जाती है आप इसमें आप सभी को पता है ट्वेंटी वॉल्यूम से आपको हमेशा रूट टचअप करना होता है ट्वेंटी वॉल्यूम में इन कलर को मिक्स करके आप अपने हेयर पे लगा सकते हैं या फिर क्लाइंट के हेयर पे लगा सकते हैं आपको कवरेज मिल जाएगी बस आपको क्या है इसकी एक नॉलेज होनी चाहिए कि तीन नंबर का बाल कौन सा है चार नंबर का बाल कौन सा है पाँच नंबर का बाल कौन सा है अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आपके साथ क्या दिक्कत आएगी मैं आपको बताता हूँ मान लीजिए किसी का तीन नंबर का बाल है उनको ग्रे कवरेज कराने और आपने उनके बालों पे चार नंबर का कल, कलर कर दिया या फिर पाँच कर दिया मतलब जो था वो नहीं करा उससे थोड़ा सा लाइटर शेड लगा दिया तो वो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको मैं बताता हूँ मान लीजिए ये स्कैल्प है ठीक है क्लाइंट के ये बाल हैं स्कैल्प है और ये स, जितने भी हैं इतने ग्रे कवरेज आपने करनी है इतने बालों पर आपने ग्रे कवरेज करी आपने लगाया यहाँ चार नंबर का और जो लेंथ पर ऑलरेडी जो कलर है वो है तीन नंबर का जब वो मिडल पार्टिंग क्लाइंट करेगी और ऊपर से जो लाइट पड़ेगी सनलाइट या फिर कोई भी नॉर्मल लाइट लगेगी तो वो उस कलर को इन्हेंस करेगी वो तीन नंबर अलग दिखेगा एक बीच में गली सी बनती हुई दिखेगी वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगेगी और ये प्रॉब्लम आपको ना हो तो आपको सबसे पहले नॉलेज ये होनी चाहिए कि तीन नंबर का बाल चार नंबर का बाल और पाँच नंबर के बाल में क्या डिफरेंस है और इसको आप सिर्फ ऐसे पता लगा सकते हो एक तो आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आपको कैसे पता होना चाहिए दूसरा तीन नंबर का जो बाल गाइस होता है वो डार्क ब्राउन होता है डार्क ब्राउन आप इतना मान लीजिए कि इसमें जो होता है ना नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो ब्लैकनेस की पिगमेंट ज्यादा होते हैं इसमें ना ब्लू के पिगमेंट ज़्यादा होते हैं तो ये ब्लैक की तरफ ज्यादा दिखता है आपने देखा होगा नॉर्मल सलोन के लाइट में ना सिर्फ हल्का टिंट सा ब्राउन दिखता है तो वो ब्राउन कलर होता है चार नंबर और आपने देखा होगा कि क्लाइंट के ना थोड़ा सा जो लाइट मतलब थोड़ा सा ब्राउन से ज़्यादा चार नंबर से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर दिखता है तो वो होता है आपका पाँच नंबर लाइट ब्राउन इसकी थोड़ी सी जो है आपको यही प्रैक्टिस करने पड़ेगी आपको क्लाइंट के हेयर को देख के एनालाइज़ करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन तब तो आपको थोड़ा समझ आ जा जाएगा वो तो चार नंबर का बाल थोड़ा सा इसमें ब्राउन टोन हल्की सी दिखती है लाइट ब्राउन में थोड़ी ज़्यादा दिखती है तीन नंबर में थोड़ी सी कम दिखती है मतलब ब्लैक की तरफ ही वो रहता ही है बाल ठीक है गाइस इतना आपको क्लियर हो गया होगा दूसरा जो है गाइस आपको मैं आपको बता दूँ कि ट्वेंटी वॉल्यूम से हमेशा जो गिरे कवरेज करते हैं हम वो हम ग्रे कवरेज फैशन शेड के साथ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है सी जो हमने बेस कलर लिया है ट्वेंटी वाले मिक्स करा ग्रे कवरेज हो गई अब फैशन शेड आप सभी को पता है प्रॉपर ग्रे कवरेज नहीं करते हो हमें और हमें लगता है ना जितना बेसिक रूट टचअप देखिए कितनी ज़्यादा जो है अगर थोड़ी सी मिस्टेक से आपके रूट टचअप की मिस्टेक से आपकी क्लाइंट परेशान हो सकती है दूसरा जब हमें दिक्कत क्या आती है कि जब क्लाइंट के बालों पर फैशन सेड हो ठीक है फैशन सेड हो और प्लस बालों में ग्रे हेयर हो ठीक है क्लाइंट के बालों पे ग्रे हेयर हो वहाँ हमें दिक्कत होती है अगर मान लीजिए क्लाइंट के बालों पे नीचे लेंथ पर जो है वो सेवन पॉइंट थ्री हेयर है और उनका जो नेचुरल बेस है वो चार नंबर का है ठीक है और उसके साथ ग्रे हेयर भी है अब क्लाइंट कहती है कि जो मेरी लेंथ पे सेवन पॉइंट थ्री है वो ही मेरे को रूट पर सेड चाहिए तो वो आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ आपको देखिए इस आपको क्या करना है सेवन पॉइंट थ्री में बेस सेड ऐड करना है ठीक है सेवन पॉइंट थ्री में आपको बेस सेड ऐड करना है सेवन पॉइंट थ्री में आप सेवन ऐड कर सकते हो ठीक है सेवन पॉइंट थ्री में सेवन ऐड होके ग्रे कवरेज ट्वेंटी वॉल्यूम के साथ कर सकते हो लेकिन सेवन पॉइंट थ्री में सेवन ऐड करने पर ग्रे कवरेज तभी होगी जब जो ग्रे हेयर की जो परसेंटेज है वो आपकी ट्वेंटी फाइव परसेंट तक है ठीक है गाइस फॉर्मूला जो हमारा होता है वो लोरियल का जो फॉर्मूला वेला का जो फॉर्मूला सबका फॉर्मूला जो ब्रांड का कहता है जिस हिसाब का जो आगे की बेस होगा आगे का बेस होगा उसी का ही बेस डलेगा जिस फैशन शेड का बेस रहेगा जैसे कि क्लाइंट के बाल लेंथ पर अगर फाइव पॉइंट थ्री है तो उसके साथ फाइव मिक्स होगा बेस में क्लाइंट की लेंथ पे सिक्स पॉइंट थ्री है तो उसका बेस सिक्स मिक्स होगा लेकिन ये फार्मूला तभी हो पाता आपने देखा होगा कि ट्वेंटी फाइव परसेंट तक हेयर गिरे है तभी आपका ये फार्मूला हो पाता है वरना आपको क्या करना पड़ता है आपको सेवन पॉइंट थ्री में फाइव नंबर का बेस ऐड करना पड़ता है थोड़ा सा बेस जो है वो डार्कर ऐड करना पड़ता है तब जाकर आपकी जो है हेयर की ग्रे कवरेज होती है कितनी कितनी मतलब परसेंटेज चाहिए मैं आपको मैं बता देता हूँ अगर मान लीजिए क्लाइंट के ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रे हेयर है तो उनको क्या करना है आपको जो बेस सेड जो लेनी है वो आपको लेनी है थर्टी ग्राम ठीक है और जो फैशन शेड लेनी है वो आपको लेनी है सिक्सटी ग्राम ठीक है प्लस ट्वेंटी वॉल्यूम में समझ रहे हो थर्टी ग्राम अगर ले रहे हो तो सिक्सटी ग्राम यानी कि अगर आप बेस सेड ट्वेंटी भी ले रहे हो ना तो उसका फोर्टी ग्राम आपको फैशन शेड लेना सीधा डबल अगर क्लाइंट के हेयर फिफ्टी परसेंट ग्रे हेयर है तो आपको हाफ हाफ रखना है जितना बेस शेड होगा मान लीजिए तीस ग्राम फैशन सेट भी आपका तीस ग्राम रहेगा अगर क्लाइंट के हेयर सेवेंटी फाइव परसेंट ग्रे हेयर है काफ़ी ज़्यादा होते हैं ये तो इसमें आपको क्या करना है बेस सेट जो है आपको वो लेनी है मान लीजिए सिक्सटी ग्राम लीजिए आपने तो उसका फैशन सेट उसका आधा थर्टी ग्राम उसकी फैशन सेड ले गए यहाँ फैशन सेड हमने कम कर दी है क्योंकि तो जितनी परसेंटेज ग्रे की बढ़ेगी उतना बेस ज़्यादा होगा देखिए पच्चीस परसेंट है ज़्यादा ग्रे हेयर नहीं है तो बेस ग्रे हेयर के लिए बेस हमने तीस लिया फैशन सेड यहाँ ज़्यादा रखी है फिफ्टी परसेंट में जितना बेस उतनी फैशन फैसन सेड होगी पचहत्तर परसेंट में देखिएगा इस ग्रे हेयर ज़्यादा है तो बेस कलर ज़्यादा है सिक्सटी थर्टी ग्राम से फैशन सेड है ठीक है गाइस इस तरीके से आपको रूट टचअप की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप फैशन सेट के साथ ग्रे कवरेज कैसे कर सकते हो आगे रूट की अच्छा थोड़ी जो है गाइस सिलेबस थोड़ा सा जो है इसका भी जो पैटर्न है लॉन्ग है इसमें क्या करना चाहता है कि अगर आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम पड़ती है अगर आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम पड़ती है तो सॉस्कॉफ में जो है वो एप्सल्यूट के नाम से फैमिली है उसमें आपको ग्रे कवरेज ईजिली मिल जाती है विथ फैशन सेट के साथ वो कौन कौन सी सीरीज़ है अगर आपको नहीं पता इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आपको जानना है दोबारा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा कमेंट में मुझे बता देना कि आपको इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उनके लिए ज़्यादा बेनीफिट है सिंगल ट्यूब भी आपको ट्वेंटी वो में मिक्स करना है और ग्रे कलर कलरेज आपको इजीली मिल जाएगी विथ फैशन सेट के साथ तो आई होप गाइस आपको अच्छी वीडियो समझ आ गई होगी वीडियो अच्छी लगेगा इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन